Hey guys, welcome back to my channel. I'm back with another video. So now I'm traveling to Shiva Samudra. So अभी मैं travel कर रहा हूँ BR हिल से Shiva Samudra Falls पे. तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का और कर्नाटका का Niagara Falls. ये देखो guys, केले का farm. कितने सारे केले थे. तो अभी हम जा रहे हैं शिव समुद्र फॉल. आप दोनों साइड से देख सकते हो. तो देर आर टू व्यू पॉइंट फॉर शिव समुद्र फॉल्स, जहाँ पे आपको एक जो फॉल्स है उसका नाम गगन चुकी है और दूसरा जो है वो भारत चुकी फॉल्स है. तो आप दोनों फॉल्स को देख सकते हो और दोनों फॉल्स का अलग अलग रास्ता है. एक फॉल है जो आपको दूर से पूरा फॉल का पैनारोमिक व्यू देता है, बट जो दूसरा व्यू पॉइंट है वहाँ पे आपको फॉल्स के एकदम नज़दीक ले जाके एकदम नियरली, जो आप फॉल को एक बोल सकते हो ना कि बाजू में खड़े रह के आप फॉल्स को देख रहे हो, तो उतना नज़दीक ले जाके फॉल्स को आप वो देख सकते हो. सो विल ट्राई टू कवर बोथ. 2 बजे तक अगर वो दोनों चीज़ें कवर हो जाती है तो वेल एंड गुड. ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 1 o'clock हो गया है. तो 2 बजे तक जितना हो सके उतना कर लेंगे और उसके बाद कहीं पे रुक के थोड़ा नाश्ता जैसा कर लेंगे तो एक सपोर्ट हो जाएगा. वो भी थोड़ा भूख लगा है, घर से जब से निकला हूँ तब से कुछ खाया नहीं है. सो गाइस, आप जो मेरे दोनों साइड देख रहे हो वो दोनों फार्म गन्ने के फार्म है. क्या ही मस्त दिख रहे हैं ना. यहाँ पे गन्ने का और कॉर्न का खेती बहुत होता है. वहां पे थे एकदम मस्त ठंडा ठंडा मौसम था. जैसे ही नीचे आए वही गर्म हवा. उतना गर्म नहीं है बट वो गर्मी महसूस हो रही है कि ऊपर जो थे वो एकदम पूरा ठंडा था और अभी हवा ही पूरी वार्म हो गई है, ना ठंडी ना गर्म. सही है भाई ने बीच रास्ते में खड़ा कर दिया है. अभी पीछे कार खड़ी रह गई, जब हटाएगा तभी कार जा पाएगी. और अब ये विलेज मुझे काफ़ी पसंद है, पूरा रोड के लेवल पर है. आई होप बारिश में प्रॉब्लम ना हो रही हो इनको, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश की होता है नॉर्मली. हिल एरिया आसपास में होता है ना, सो उसकी वजह से बारिश ज़्यादा होता है नॉर्मल. कहीं पे कुछ अच्छा मिल गया. अच्छा चलो, यहीं पे ठेका यहीं पे भी मिल गया भाई. खाने का दुकान नहीं है बट ठेका है. सही है, खाना मिले ना मिले बट पीने का होना चाहिए. भाई का लाइफ का गोल ना क्लियर है. थोड़ा ट्राई करते हैं कि शिव समुद्र फॉल्स पे पहुंच जाए, उसके बाद कहीं पे रुक के खा लेंगे क्योंकि वहाँ पे आसपास में बहुत सारी होटल्स थी तो कहीं पे भी खा सकते हैं. आधा घंटा
आराम से रेस्ट करके खा लेंगे, ज़्यादा कुछ ये वो नहीं होगा कि भाई लेट है वो, क्योंकि बाकी का डिस्टेंस तो कवर हो ही जाएगा आराम से बेंगलोर तक का। बेंगलोर से फिर घर तक का जो डिस्टेंस होगा उसमें टेंशन नहीं है, जितना टाइम लगना वो लग जाए। सामने वो देखो हिल, क्या ही मस्त दिख रहे, पूरी ग्रीन दिख रही है। उस साइड पे भी एक हिल है। सो गाइस अभी हम भारत चुकी, अच्छा सॉरी, जो मैंने आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन दिया वो उल्टा दे दिया। भारत चुकी ये है, गगन चुकी वो है। तो भारत चुकी पे आपको वो पूरा पैनोरमिक और यू नो पूरे फॉल्स का व्यू मिलता है, और गगन चुकी में आपको नियर बाय आपको व्यू मिलता है फॉल्स का। तो अभी हम अपने यू नो भारत चुकी फॉल्स पे पहुंचने के आए हैं, और डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 6 किलोमीटर 13 मिनट। तो 13 से 15 मिनट का रास्ता है, मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। लोकल एक रास्ता अच्छा है तो कवर कर लेंगे फटाफट, और फटाफट मैं आपको वो दिखा के निकल जाऊंगा और एक थोड़ा नाश्ता करके फिर जाएंगे हम गगन चुकी। तो यहाँ से देखते हैं कितना अभी रोड कंडीशन कैसा है, क्योंकि नॉर्मली इस रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहता है। मैं जितनी भी बार आया हूँ इसका कंडीशन गंदा ही होता है हर बार। तो देखते हैं इस बार कैसा है, अगर इस बार अच्छा रहा तो भाई नसीब, जल्दी पहुँच जाएंगे, और जल्दी पहुँच गए तो जल्दी दिखा देंगे, और जल्दी दिखा देंगे तो आपको जल्दी मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, बाय बाय। देखो कावेरी रिवर, सो ये हो गया दूसरा ब्रिज। ये अंग्रेजों के टाइम का ब्रिज है, जो आपको नीचे दिख रहा होगा वो पूरा अंग्रेजों के टाइम का ब्रिज है, और उसको थोड़ा बहुत रिनोवेट भी किया है, बट मोस्टली जो आपको ओल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पूरा अंग्रेजों के टाइम का है। देखो बोल रहा था ना रोड गंदा होता है, तो ऐसा ही होता था हर बार। ये तो अभी अच्छा है कि बहुत अच्छा रोड बन गया, थोड़ा पैची है। शरीर के सारे पुर्जे हिला दिए, ऐसा रोड होता था हर बार। तो यहां से जितना समझ में आ रहा है कि रोड ऐसे ही मिलने वाला है, एंड तक। सो गाइस अभी हम गेट पे पहुंच गए, और इस साइड पे आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो मस्जिद है। लास्ट टाइम में जब इधर आया था तो मेरे पास कैश नहीं था, कैश नहीं था तो मुझे जाने नहीं दिया। फिर जुगाड़ लगा के पैसे दिए और जाना हुआ। भाई हमने गेट से एंट्री ले ली है 10 रुपीज। तो अगर आप आ रहे हो तो प्लीज कैश कैरी करना इधर,
बीआर हिल्स पे भी 10 रुपीज़ है, इधर भी 10 रुपीज़ है। और यहाँ से अभी 1 किलोमीटर हमें जाना है फॉल्स तक। सो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ सेवा समुद्र फॉल्स पे और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में फॉल्स का व्यू। अमेजिंग व्यू है भाई, इतना पानी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, 1 महीने पहले आता तो इससे ज़्यादा पानी एक्सपेक्ट करता, बट अभी जो पानी है वो कम भी नहीं है। सो रियली गुड, बहुत ज़्यादा फ्लो है। जो लेटेस्ट फोटो में देखा था उसमें बहुत कम पानी दिखा रहा था, सो आई थॉट कि होगा बट इतना भी नहीं होगा, बट हे बहुत ज़्यादा पानी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप कुछ शॉर्ट्स देखिए, बाद में मिलते हैं। That's it from this video guys, फिर मिलते हैं एक नए लोकेशन पे एक नई ट्रिप के साथ एक नए दिन को। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। और आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, जो मैंने प्रीवियस ट्रिप की है तो वो आप देख सकते हो। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बाय।